सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद तहरीक इंसान इतना अच्छा एक इतनी अच्छी महफिलें सजाने और अनवर जाफरी साहब को मुबारकबाद दूँ कि उन्होंने इस्मत आपा की ये कहानी बहुत खूबसूरत तौर पर पेश की है और दोनों अदाकार जो थे उन्होंने बहुत अलग किया है। इस्मत आपा के बारे में अगर बात की जाए तो वो यूँ है कि कुछ लोग ज़िंदगी में कहानी होते रुखसत हो जाएं तो लेजेंड बन जाते हैं। इस्मत आपा हमारे दरमियान मौजूद नहीं, मौजूद थी तो उनके बारे में कैसी कैसी कहानियाँ थी और चली गईं तब भी फसाने छोड़ गई। मेरी मुराद इस बात से है कि उनका जो उनकी जो वसीयत थी उस पर बड़ी गुफ्तगुएँ हुई और बहुत एतराज़ात हुए, जाहिर है वही काफिर और मुसलमंटी वाला मामला था। उन्होंने होश संभाला तो अपने इर्द गिर्द सांस लेने वाली औरत को हर लम्हा मरते और जिंदगी करते देखा। वो शान से जीने और डंके की चोट पर मर जाने की कायल थी। उन्हें अपने इर्द गिर्द की सहमी हुई और मुरझाई हुई और जुल्म सितम सहती हुई औरत ज़रा भी अच्छी नहीं लगी। चुनांचे उन्होंने बगावत, सच्चाई और आज़ादी की आग चुराई और अपने कलम की नोक से ये आग बर्र सगीर की औरत के सीने में रोशन कर दी। कहने को इस्मत आपा मौत की नींद सो गई हैं, लेकिन वो उस वक्त तक जिंदा रहेंगी जब तक बर्र सगीर में वो औरतें और लड़कियां जिंदा हैं जिन्होंने इस्मत आपा की कहानियां पढ़कर ज़माने के सामने सर उठाकर जीना सीखा। समाज के खुद साख्ता रहनुमाओं की हर बात पर आमन्ना सदकना कहने की बजाय बहस करना और अपने हुकूक के लिए लड़ मरना सीखा। इस बारे में हमें ये फ़र्ज नहीं करना चाहिए कि इस्मत आपा की कहानियों ने बरसग़ीर की सिर्फ मुसलमान और उर्दू पढ़ने वाली लड़कियों और औरतों को ही मुतासर किया। उनके 1947 के फौरन बाद से हिंदुस्तान के दूसरे अदीबों की तरह इस्मत आपा की तमाम तहरीरें देवनागरी लिपि में मुंतकिल की जाने लगी थीं। इस तरह देखा जाए तो उनके हल्के असर में बरसग़ीर की सिर्फ मुसलमान औरत ही नहीं आती थी, बल्कि हिंदी मादरी ज़बान के अलावा तमिल, मराठी, सिंधी, पंजाबी और बंगला पढ़ने वाली लड़कियां और औरतें भी उन्हें पढ़ती थीं और आज भी पढ़ती हैं और उन्हें आइडियलाइज करती हैं। इस तरह उन्होंने बड़े सगीर की लाखों औरतों के जहनों पर अपने असरात मुरतब किए और इसीलिए पंजाबी की मशहूर अदीब अमृता प्रीतम अपने आप को इसमें चौथाई का एक्सटेंशन करार देती थी। ये बिल्कुल वही बात है जो इस्मत आपा कहती थी अपने बारे में कि मैं डॉक्टर रशीद जहाँ का, रशीद आपा का एक्सटेंशन हूँ। और उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त अपनी जो उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखा है उसमें ये लिखा है कि एक महफिल थी, उसकी सदारत बेगम भोपाल कर रही थी। बेगम भोपाल वो थी जो कि हर वक्त तकरीबन बुरके और पर्दे में रहती थी। कहेंगे रशीदा आपा आईं और उन्होंने तकरीर शुरू की। वो स्लीवलेस ब्लाउज पहने हुई थी, बाल उनके कटे हुए थे और उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से औरतों के हुकूक की बात की। और उसके बाद जब वो जाने लगीं तो बेगम भोपाल ने उन्हें बहुत डांटा फटकारा और कहेंगे कि उनकी डांट फटकार का ऐसा असर हुआ मुझ पर कि मैंने ये तय कर लिया कि मैं रशीदा आपा जैसी कहानियाँ लिखूँगी। तो गोया वो रशीद जहाँ का एक्सटेंशन थी और इस्मत आपा ये कहती थी, अमृता प्रीतम ये कहती थी कि मैं इस्मत चुगताई का एक्सटेंशन हूँ। तो अब उसके बाद खुदा जाने और कौन कौन किस किस का एक्सटेंशन हुआ। मैं अपने आप को खुशनसीब ख्याल करती हूँ कि इस्मत आपा के दौर में जिंदा रही और सिर्फ जिंदा ही नहीं रही, उनकी मोहब्बतें समेटें और उनकी बातें सुनी
उन्हें सत्र सत्र पढ़ा और उनसे कदम कदम सीखा है। ये एजाज मेरे हिस्से में आया कि मैं उनकी सदारत में अफसाना सुनूं। जिस रात इकबाल हैदरी साहब के घर पर यह महफिल अफसाना मुनाकिद हुई थी, उस रात पौ फटने से पहले सिंध के दो जीदार बेटों अयाज सम्मो और नासिर बलोच को गद्दारी के इल्ज़ाम में फांसी की सजा होने वाली थी। उस रात पौ फटने से पहले जब इन लोगों को ये सजा होने वाली थी, उसी रात मैंने अपना अफसाना तितलियां ढूंढने वाली पढ़ा और जब उसे सुनकर इस्मत आपा ने सारी के पल्लू से अपनी आंखें खुश की थीं और मेरी पीठ पर अपना हाथ रखा था, तो मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे इस हाथ से मुझ में बहुत सी ताकत, बहुत सा हौसला मुंतकिल हो रहा है। इस्मत आपा ने 81 बरस की उम्र पाई और ये सारी जिंदगी उन्होंने जेहद मुसलसल में गुजारी। मुनाफ़क़त से उन्हें बख़्ज़ल-इलाही था, मिजाज उनका तीखा था और कलम तेग़ बर्रा, शमशीर बेनियाम। उनके अजदाद चंगेज़ ख़ान, हलाकू ख़ान और चगताई ख़ान शहर फतह करते थे, शहरियों को तहदेख करते थे और सरों के मीनार उठाते थे। इस्मत आपा शब कलम पर सवार हुई तो उसे ऐसी एड़ लगाई कि क़दामत परस्तों, अक्ल दुश्मनों और औरतों को कमतर समझने वालों के परे उलट दिए। उन्होंने एक तरफ औरतों को हकीर जानने वालों को अपनी धारदार तहरीरों से चौरंग काटा, तो दूसरी तरफ उन औरतों पर भी अपने ख्यालात के ताजियाने लेकर पिल पड़े जो इस बात पर मुसर थीं कि औरत ज़ात की अक्ल एड़ी में होती है। इस्मत आपा ने अपने कलम से बड़े सगीर की मुफलिसी, अखलाकी पस्ती और मुनाफ़क़तों की ऐसी तस्वीरें उतारी हैं जिनकी हर लकीर से ज़िंदगी का जहर टपकता है और इंसान की मज़लूमियत और उसका ज़ुल्म, उसकी बेबसी और उसकी सफाकी, उसकी मासूमियत और उसकी कमीनगी, उसकी सादा लोही और उसकी अयारी के सारे रंग झलकते हैं। उन्होंने अपने इर्द गिर्द सांस लेने वाले किरदारों के चेहरे अपनी कहानियों में उभारे। नन्ही की नानी के डिप्टी साहब जैसे किरदार फर्जी तो नहीं, ये हमारे करीबी रिश्तों के मकरूह चेहरे हैं। मासूम बदन और जहन जिनका खाजा हैं, उनकी अफूनत ज़दा जहरीली सांसें नन्ही जैसे नरम नाजुक पौधे को छू जाएं तो वो कुमला जाए। इसी तरह चौथी का जोड़ा बहरूपिया, जहर का प्याला, मुगल बच्चा, कल्लू की माँ, मुट्ठी मालिश, छुई मुई, ये उनके बहुत मशहूर अफसाने हैं। इसी तरह टेढ़ी लकीर और मासूमा, उनकी कहानियों और उनकी नावलों में सांस लेने वाले किरदार दूसरे नामों के साथ हमें हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ में फैले हुए और बिखरे हुए नज़र आते हैं। और जहाँ तक ज़िद्दी का ताल्लुक़ है तो वो तो थी ही ऊँची जाति के एक मालदार और ज़मींदार घराने की कहानी। इस्मत आपा चूँकि उन्होंने ज़िद्दी लिखी, ज़िद्दी बनाई, उसके बाद और कई कहानियाँ वो उन्होंने लिखी बनाई, तो ये रहा कि बम्बई की जो फिल्म नगरी थी उससे भी उनका गहरा ताल्लुक रहा और उन्होंने बहुत करीब से देखा और शायद इसी लिए उन्होंने मासूमा और एक उनका छोटा नॉवलेट है नई दुनिया वो लिख सकें। उन चीज़ों को वो सिर्फ एक बड़ी लिखने वाली ही नहीं थी, एक खुश दिल और खुश जहन इंसान थी। ज़िंदगी से छलकती हुई उनका कलम और उनकी ज़बान जितनी कारदार थी उतनी ही वो ज़िंदगी में दबंग थी। उन्होंने लिखा है कि मैट्रिक के बाद जब मैंने ये कहा कि मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ तो वालिद ने सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमारी लड़कियां, मैंने बड़ी बड़े ताने सुने हैं इस बात के कि मैंने तुम्हें स्कूल भेजा, हमारी बरादरी में ये नहीं होता और अब तुम आगे नहीं पढ़ोगे।